दगड़ो जैसे ही पार्किंग से कार निकाली मैंने अपने, तो एक टायर हमारा पंचर मिला। ये वैसे इसमें पंचर कहीं दिखाई तो दे नहीं रहा है, देखिए अब। बट इसका वाल्व जो है वो ख़राब हो चुका है मुझे लग रहा है, तो अब मैं इसमें टायर दूसरा चेंज कर रहा हूँ। ये हमारे सहयोगी एक्सपीरियंस होल्डर हैं और यही मुझे बता रहे हैं कि टायर कैसे चेंज करते हैं। ये थोड़ा जल्दी टायर चेंज मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन ये थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, तो बहुत पुराने एक्सपीरियंस गाड़ी मालिक हैं। कुछ इस तरीके से अभी बगवाली पोखर का मार्केट का नज़ारा हुआ है। हल्की हल्की धूप, गुनगुनी धूप खिल रही है और सभी लोग असोज काटने चले गए हैं। कोई घास काट रहा है, कोई धान वान इकट्ठा कर रहा है। आसमान में हल्के बादल, शाम तक बारिश होने की संभावना। फाइनली टायर चेंज हो चुका है, यानी कि स्टेपनी थी तो स्टेपनी लगा दी है, अब वो वाला टायर बनाने के लिए देना पड़ेगा। कुछ इस तरीके का जैक होता है कार का, तो इस तरीके से आप अपना टायर चेंज कर सकते हैं। अगर कोई आप वीडियो देख रहे हैं, कोई मेरा अगर सब्सक्राइबर है, तो इस तरीके से आप आसानी से टायर चेंज कर सकते हैं। नमस्कार दगड़ो, आप सब लोगों को स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पप्पू ब्लॉग्स में। दगड़ो एक नए दिन की शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ, और आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ सांस्कृतिक नगरी दोरहाट में, तो आप बने रहे मेरे साथ। दगड़ो अभी मैं राम रोड थली के रास्ते से दोरहाट जा रहा हूँ। काफ़ी शॉर्ट होता है यहाँ से बगवाली पोखर से, अगर आपको दोरहाट जाना है तो यहाँ से लगभग आपको 5-6 किलोमीटर में दोरहाट पहुँच जाते हैं हम। तो वहाँ पर मुझे एक जहाँ से रोड कटती है, एक इधर राम रोड थली को आती है और एक नीचे गगास को चली जाती है, तो जस्ट वहीं के उसके बगल पर हूँ। और वहाँ से कुछ नज़ारा इस प्रकार से अभी हो रहा है, आप देख सकते हैं। हल्का जूम करके मैं आपको दिखा लेता हूँ। ये तो दगड़ो पहाड़ में भी एक से एक वादियाँ हैं, एक से एक खूबसूरत जगह हैं जहाँ लोगों को अच्छा लगता है। इसीलिए जो टूरिस्ट लोग हैं वो उत्तराखंड को ज़्यादा भाते हैं, उत्तराखंड में ही ज़्यादा लोग आते हैं। देख लो, ये कालीखोली रोड दोरहाट पर माध्यमिक विद्यालय, केवल लड़कियाँ यहाँ पर पढ़ती हैं, यानी कि मतलब लड़कियों का कॉलेज। अटल उत्कृष्ट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज दोरहाट यहाँ पर है, तो बहुत अच्छी लोकेशन में बसा हुआ स्कूल है। अभी मैं राम रोड थली 2-7 पुल पर हूँ। कुछ इस तरीके का पुल बना है, काफ़ी अच्छा पुल है ये, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ है, अभी धूप है नहीं और संभावना है बारिश आने की, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा गधेरा भी है नीचे, तो ये पुल के रास्ते यहाँ पर कमेंड आप इस रोड से जा सकते हैं बगवाली पोखर और उधर बिंता, या फिर अल्मोड़ा को जाना है या दोरहाट को, तो काफ़ी शॉर्ट रोड है। इस प्रकार का 2-7 पुल है। अगर पप्पू ब्लॉग से वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि पप्पू ब्लॉग से की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये 2-7 रोड पे पहाड़ी मुर्गियों का फार्म आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के माध्यम से। बहुत सारी मुर्गियां हैं यहाँ पर, आपको हर वैरायटी की मुर्गी यहाँ पर मिल सकती है। ये देखिए, अगर आपको इस प्रकार की मुर्गियां चाहिए, पूजा पाठ के लिए मुर्गियां चाहिए, तो आप मुझे मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और ताकि मैं इस संपर्क को अगले फॉरवर्ड कर सकूँ। दगड़ो फाइनली मैं दोरहाट से घर आ चुका हूँ, और रूही भी अपने स्कूल से आ चुके हैं। और रूही के स्कूल से आने के बाद ये ड्रामा रहता है, देखिए आप मोबाइल देखिए या फिर टीवी देखिएगा, अभी लाइट गई हुई है तो मोबाइल देख रही है, ये आप देख सकते हैं। पता नहीं क्या क्या इसमें कार्टून वगैरह क्या क्या देखती है, और मोबाइल का बहुत नॉलेज है इसको, अपने कार्यक्रम पूरा अपने हाथ से निकाल लेती है। दगड़ो फाइनली 1:30 बज चुका है और खाना भी तैयार हो चुका है। खाने में चावल बना हुआ है और भिंडी की सब्ज़ी है, सुबह जो नाश्ते में बनाया था, मूली कटी हुई है और छाछ की झोली खा रहे हैं। और रूही की प्लेट कुछ इस तरीके से है, और मोबाइल देखते देखते खाना खाती है, आदत बहुत ख़राब हो चुकी है। अगर आपके बच्चे भी मोबाइल देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना, और
बच्चों से मोबाइल के छुटकारा कैसे पाएं, उसका कोई सजेशन आप लोगों के पास है तो वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि मेरी जो लड़की है ये खुद मोबाइल देखते रहती है और ना देऊँ तो खाना पीना सब छोड़ देती है। तो मेरा आज का ट्रिप ऐसे ही था, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोगों को शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।